नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर जाने की ख्वाहिश पालने वाले राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी के 42 से ज्यादा नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरी खबर, मैं आपको जरूर बताएंगे और एक एक करके सारी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा धारा 370 हटाने का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के एक सप्ताह के बाद ही कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के 42 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों, रिटायर्ड IPS अधिकारी और सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ साथ कई और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम आपको बता दें कि BJP में शामिल होने वाले इन सभी नेताओं में सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को यह तगड़ा झटका दे दिया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से BJP में आए नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल एक पार्टी का शासन चल रहा है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। दरअसल दोस्तों, बीते दिन सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर चुना गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के इन सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सीधा मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के कारण पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में विलुप्त होती हुई जा रही है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी। हम आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के द्वारा धारा 370 हटाने का विरोध किया गया था, वहीं पर दूसरी ओर प्रियंका गांधी की ओर से भी इसका विरोध किया गया है। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने धारा 370 हटाने को असंवैधानिक करार दे दिया है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है, यानी जो बातें उनके भाई राहुल गांधी बोल रहे हैं हूबहू उसी बात को रिपीट करते हुए प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं, जहां पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कहा कि अगर उनको कश्मीर के हालात देखने की इतनी ही जल्दी है तो वो प्लेन भेज देंगे, जिसमें बैठकर राहुल गांधी कश्मीर आकर कश्मीर की स्थिति को देख सकते हैं। यानी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गवर्नर की ओर से ये करारा हमला राहुल गांधी के उस बयान पर किया गया है, जहां पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और सरकार बहुत सी चीजों को दबा रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि विपक्ष के लोग अभी भी अफवाहें फैला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहां पर एक और देश की मीडिया ने जम्मू कश्मीर को लेकर रिपोर्टिंग की है, वहीं पर दूसरी और विदेशी मीडिया की बातों को मानने से कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुरेज नजर नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर सिक्किम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दोस्तों, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं आपको बता दे कि सिक्किम वह राज्य है जिसकी सीमा चीन से लगती है और ऐसे में बॉर्डर राज्यों पर नेशनल पार्टी का होना बेहद ही जरूरी होता है। दरअसल दोस्तों, सिक्किम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा विधायक हो गए हैं और साफ तौर पर सिक्किम के अंदर BJP का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, चाहे चीन से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश हो या फिर चीन भूटान ट्राइजेक्शन पर मौजूद सिक्किम हो, इन सभी जगह पर BJP का प्रभाव बढ़ना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों, मायावती ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। मैं आपको बता दें कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को घड़ियालू आंसू नहीं बहाने की हिदायत दे दी है। दरअसल दोस्तों, सोनभद्र की घटना को लेकर प्रियंका गांधी लगातार सोनभद्र पहुंच रही है और ऐसे में सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी देने के बाद अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही है और ऐसे में मायावती की ओर से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा सोनभद्र को दिए जा रहे बयान को लेकर कहा गया है कि घड़ियालू आंसू नहीं बहाना चाहिए इन दोनों नेताओं को। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि POK के अंदर 15 अगस्त को एक बड़ी रैली करेंगे। हम आपको बता दें कि POK वो इलाका है जहां पर गिलगित बल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना विरोधी नारे सुनाई देते हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान से आजादी की मांगे होती है, और ऐसे में इमरान खान अगर POK पहुंचकर वहां पर रैली करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान के सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही नारे सुनाई देंगे। हम आपको बता दें कि POK को भारत वापस लाने के लिए नई रणनीति बना रहा है और ऐसे में इमरान खान इसमें पूरी तरह से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं, जहां पर दोस्तों, भगवान शिव को लेकर दिए गए बयान को लेकर शशि थरूर फंस गए हैं। दरअसल दोस्तों, शशि थरूर के द्वारा शिवलिंग और बिशु के बयान वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ गई है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं, जहां पर 15 अगस्त को होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचने वाले हैं जम्मू कश्मीर
कश्मीर, जहां पर ये खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह श्रीनगर के अंदर भारत का झंडा फहरा सकते हैं। दरअसल दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा है और सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां भी इसके इर्द गिर्द ही देखने को मिली है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए लाल चौक पर झंडा फहराया था और अब अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर भारत का झंडा लाल चौक पर फहरा सकते हैं, इसकी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं, जहां पर दोस्तों विदेशों में कश्मीरी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और एक बड़ी खबर आई है जहां पर बहरीन के अंदर पाकिस्तानियों ने कश्मीर को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद वहां की सरकार और पुलिस ने उन सभी पर जबरदस्त कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों ईद की नमाज के बाद कश्मीर के अंदर रैली निकालने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और अन्य एशियाई लोगों के खिलाफ बहरीन की सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि सरकार की ओर से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों भारत के द्वारा उठाए गए धारा 370 हटाने के कदम के बाद जहां पर एक और देश में कांग्रेस पार्टी सरीके अन्य विपक्षी दल सदमे में है, वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा कई सारे देशों में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि भारत के डायसापोरा ने भी इसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों भारत के लोग जो अन्य देशों में मौजूद है उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने को लेकर लगातार इंग्लैंड की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों का बड़ा योगदान रहता है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों भगवान राम की मूर्ति बनाने के बाद अब अयोध्या को देश के साथ साथ पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए अयोध्या के अंदर एक एयरपोर्ट बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से अयोध्या को विकास के पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, जिसके तहत अब एयरपोर्ट बनने वाला है और अयोध्या में बड़े स्तर पर लोग आएंगे। और साफ तौर पर अयोध्या भारत के लिए एक धर्म नगरी है और इसको ज्यादा प्रोत्साहन मिलने के बाद अयोध्या के लोगों को रोजगार और इसके साथ साथ अन्य समाधान भी मिलेंगे। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर ममता बनर्जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा बयान आया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कुछ लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने एक बयान जारी करते हुए मीडिया में कहा कि पाकिस्तान के लिए भारत में सभी दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की भलाई के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद उन्होंने उदाहरण देते हुए पाकिस्तान के समर्थन में भारत में मौजूद लोगों में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और कई सारे पत्रकारों के नाम गिनाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसा वायरल होता हुआ नजर आया है जिसमें ममता बनर्जी का नाम लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को पाकिस्तान परस्त कहा दिया है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों सऊदी अरब से सहयोग की मांग करने वाले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री और सऊदी के अमरीकों ने एक करार किया है जिसके तहत भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर रिलायंस और सऊदी के अरेमको के द्वारा बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गई है। हम आपको बता दें कि अरेमको रिलायंस के साथ रिफाइनरी का काम करती है और अब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसके चेयरमैन खुद सऊदी अरब के प्रिंस हैं और ऐसे में दोस्तों सऊदी अरब के प्रिंस वाले संगठन जो सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर तेल की व्यापार मिडल ईस्ट से करता है, अगर उसने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप बनाई है तो इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका है, जहां पर भारत के अंदर आर्थिक गतिविधियां और ज्यादा तेज होंगी। वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान इस्लामिक देश होने का हवाला देकर राहत की मांग करता हुआ सऊदी अरब से नजर तो आता है, लेकिन सऊदी अरब ने भारत का समर्थन किया है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर चुनाव जीतने के लिए 1000 से ज्यादा कार्यक्रम करेगी। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य के अंदर होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर चुकी है और 1000 से ज्यादा रैलियां करेंगे। दरअसल दोस्तों ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिससे हमने आपको एक एक करके सभी की जानकारी दी है। अगर आप भी पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।